Focus, 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 focus. Yes. Hey guys, welcome to my channel. Wanna be a super mom. So today is going to be a Hindi vlog. हाँ, बहुत बहुत दिनों के बाद सोचा कि एक हिंदी व्लॉग करूँ और आज मई फर्स्ट है, सो इट्स अ हॉलीडे, हमारी छुट्टी है. तो सोचा कि मिशी का वैकेशन चल रहा है, तो हम लोग सोचे कि चलो उसको ले जाते हैं कहीं बाहर, बिकॉज टाइम ही नहीं मिलता कि कहीं ले जाए. मिशी एक मिनट इधर आओ. सो आप सबको एक गोल मटोल छोटी सी. सो एट लास्ट, मतलब बहुत देर के बाद, बहुत बड़ा डिसीजन लेने के बाद उसने सोचा कि चलो यही ड्रेस पहन लेती हूँ. और हाँ, मैं आ रही हूँ. कमिंग, यू गो डाउन. तो जस्ट एक्चुअली चेन्नई में बहुत सारे बीचेस हैं, पर ये जो बीच है हम पहली बार जा रहे हैं. इसको तिरुवामियूर बीच बोला जाता है. ये मतलब हम इट्स थोड़ा आउटर में है और बाकी सब जो बीच है वो विद इन सिटी में होता है. तो आज हम पहली बार जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा वो उतना मतलब पोल्यूटेड नहीं है, सब बोलते हैं, जैसे कि मरीना बीच और बेसनगर बीच है, और ज़्यादा लोग भी नहीं रहते हैं बोलते हैं. तो ठीक है, थोड़ा समय वहाँ बिता सकते हैं. तो बस अभी हो रहे हैं करेक्ट 5 o'clock, पता नहीं कितने बजे जाके पहुँचेंगे. एक्चुअली हमने प्लान बनाया था सुबह जाने का, सुबह 5 बजे से कुछ जाएंगे, पर हम तीनों ही सो गए तो उसके कारण नहीं जा पाए. सो चलो, आप सबको आज मैं चेन्नई की एक छोटी सी सैर कराती हूँ, तो देखते रहिए वाना बी अ सुपर मॉम. तो बस अभी हम लॉक करेंगे और सब चीज डन. लॉक द डोर. एक्चुअली मैंने सोचा था कि बीच थोड़ा और अच्छा साफ होगा, बट इट इज नॉट दैट क्लीन, सब चलेगा. मतलब बेटर देन मरीना बीच है बीच ना, थोड़ा सा बैठ सकते हैं, थोड़े टाइम पास कर सकते हैं. By the way, he don't know that I'm doing Hindi vlog this time. So that is still talking. Give it. இதே தான் பண்ண போறேன். இதே போறேன் நான் சொல்றேன். இது பேச்சு இது இதே மாதிரி பண்ணி எனக்கு மேல இருக்கு. புரியுதா? அது வை கமுத்து. இது சடை தி சிப்சிபா ஹோ கே பாப்ரே. எடு चले. So what are you doing, Mishu? हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो. नहीं आती हिंदी, नहीं आती आपको? हाँ, नहीं आती क्यों? चले पानी में चले. क्यों? डर लगता है मिशिका को. मिशी पैसे नहीं खेलते मिशी, नो. अपा, अपा।
हम पहुंच गए हैं। So guys, we are back. तो हम पहुंच गए थे like करीब 8:30 को और yes, आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा पिंपल मेरे जो क्लीन फेस के ऊपर इतने सारे लोगों की नजर लग गई थी। So that is reason मुझे pimples आया है और ये मार्क अभी तक नहीं गया है। आई एम ट्राइंग माय लेवल, बस पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है। मुझे इसके लिए स्पेसिफिक एक और पुट यू हियर, माय मम्मास पुट सम कलर स्टिकी पुट, दैट्स व्हाई बिंदी बिंदी स्टिकी बिंदी एंड ही पुट इन द मार्क इट्स कम उडिनी आई डोंट नो। So that was a Tanglish. I mean she मतलब वो एक तमिल में भी बात कर रही है, इंग्लिश में बात कर रही है, सब मिला के। सो लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप जो भी मतलब लोग हैं जो चेन्नई आने वाले हैं या जिनको चेन्नई के बारे में जानना है तो कमेंट करिए नीचे और बताइए कि मतलब आपको कौन से कैसे किस टाइप की जगह आपको देखनी है, और अगर आपका कोई प्लान है इस तरफ आने का तो कुछ आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में तो बताइएगा। मुझसे जितना हो सके मैं बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करूँगी, क्योंकि अभी एक है कि सीज़न की मतलब लोग बहुत सारे चेन्नई आते हैं पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, तो आइडियाज़ नहीं होती कि मतलब कहाँ जाएं कैसे रहे, और मतलब तो ऐसा कोई डाउट है तो बिल्कुल बताइएगा, मैं श्योरली क्लियर कर दूंगी आपके सबके डाउट। और आज का दिन यहीं तक समाप्त होता है, यही खत्म होता है, क्योंकि एक मिनट मशीन अभी हम अभी मैंने कैमरा लिया और सोचा कि चलो अब व्लॉग को ख़त्म किया जाए, क्योंकि टुमारो इज़ वन वेडनेसडे और कल ऑफिस है, तो सुबह से हम लोग काम पे लगे हुए होंगे। I'm sorry, मतलब सुते सुते बात करना पड़ रहा है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मतलब 7:30 और 8 o'clock के करीब हम पहुंच गए थे, उसके बाद नहा धो के क्योंकि पूरे वेट हो गए थे और बहुत सारा मतलब वो जो सैंड मतलब जो रेत हो गया था पूरे कपड़ों में, तो वो सब धो धा के उसके बाद फिर क्या हुआ था कि मैंने सोचा कि कल का मतलब जैसे कि आप सबको पता है मुझे एक स्किन का प्रॉब्लम था जिसके कारण मुझे स्किन के टैबलेट्स लेने पड़े, और जिसके कारण क्या हो गया मैंने थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया, क्योंकि जो स्किन के जो टैबलेट्स होते हैं उसमें स्टीरॉइड्स होता है जिसके कारण क्या होता है तो आपका वेट पुट ऑन हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा अपने आप को रेगुलर रखने के लिए अपने वेट को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए मैंने कल से कुछ सोचा है, अगर वो होता है तो मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल आप सब के साथ उसको बिल्कुल शेयर करूँगी, पर अभी तो मैं नहीं करने वाली क्योंकि लेट मी सी वेदर इट इज़ गोना हैपन और नॉट। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि उसी चीज़ के लिए थोड़े से मतलब ख़रीदारी करनी थी मतलब सब्जी और फ्रूट्स वगैरह, तो सब लेके आके और मेरे जो मतलब एज़ यूजुअल आप सबको पता होगा अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं कि मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन है, तो संडेज़ में अगर नॉन वेज बनता है, अगर मेरे ननंद क्या जो कि मेरे घर के पास में ही रहती है तो मेरे हस्बैंड जाते हैं वहाँ पे रात को या दोपहर को खाने के लिए, तो आज का दोपहर का खाना मेरे घर पे था सिंपल वाला वेज वाला, तो इसीलिए उन्होंने रात को मतलब आफ्टर जब हम आए वापस तो वो और मिशिका वहाँ चले गए। उसके बाद मैंने घर में कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही मतलब पड़े थोड़ा सा टाइम मतलब टायर्ड थी, ऑफिस के भी इतने सारे काम है और घर में भी मेरे एक्चुअली बहुत काम, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 दिन से मेरे जो डोमेस्टिक हेल्पर है वो नहीं आ रही है, तो अभी मुझे ही बर्तन धोना पड़ रहा है सब कुछ मतलब ऑफिस से आने के बाद, और कल सुबह का भी खाना बनाना है नाश्ता बनाना है, तो बर्तन धुले नहीं हैं मैंने, वैसे ही डाल दिया मैंने, क्योंकि ऑलमोस्ट थोड़े बहुत ही दिनों से मेरा जो लाइफ स्टाइल बहुत हेक्टिक हो रहा था, तो आज मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए और आई एम जस्ट रिलैक्सिंग मतलब AC डला हुआ है और मैं बस पड़ी हुई हूँ। कभी कभी हमें कुछ मतलब थोड़ा अपने आप को भी ब्रेक देना चाहिए तभी माइंड रिलैक्स होता है, तो अभी बस मिशी का काम है ये, और बहुत मटरगस्ती मतलब इतनी शैतान हो गई मतलब मैं कैसे कंट्रोल करूँ समझ नहीं आ रहा मुझे।
तो यस, मेरे मेमोरी कार्ड का जो मेमोरी था फुल हो गया था, तो मुझे कुछ डिलीट करने पड़े। तो बस अभी बस कल से जल्दी उठना है और बर्तन धोने हैं, सारे काम वैसे के वैसे ही हैं। और आज मैंने बहुत रिलैक्स किया, अपने आप को बहुत रिलैक्स करने की कोशिश करी और यस आई वॉज एबल टू। और बिल्कुल बताइएगा कि आपको मेरी हिंदी कैसी लगी और हिंदी ब्लॉग कैसे लगा। सो यस, एवरीबडी इज़ ऑन बेड, तो हम बस सोने आ चुके हैं और बस सोने जा रहे हैं। तो ये इसके बाद बस यही सब चल रहा है और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि मतलब क्या बात करूँ, क्योंकि द थिंग इज़ लाइक बहुत कम लोगों से हिंदी में बात होती है। मम्मी से जब फ़ोन पे बात होती है तो हिंदी पे बात होती है, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इन सब से हिंदी में बात होती है। तो बस ऐसे ही चल रहा है, कुछ स्पेशल नहीं है। सो यस गाइस, यही था आज का अपडेट हिंदी में। मैं आई मीन आई गेस कि आप लोगों को मेरा हिंदी व्लॉग पसंद आया होगा। और आई एम सॉरी, हमेशा मेरा जो चेहरा होता है या तो बहुत ही मुरझाया हुआ रहता है या तो फिर बिना मेकअप के रहता है। तो मैं नहीं चाहती कि मतलब मैं बहुत सारा मेकअप या कुछ लगा के हमेशा आपसे ब्लॉग करूँ। मैं हमेशा नेचुरल रहना चाहती हूँ, जैसे कि मैं हूँ मैं वैसे ही दिखाना चाहती हूँ आपको। सो दैट्स इट। और अगर आपको ऐसे ही हिंदी ब्लॉग्स और देखने हैं तो मुझे बिल्कुल बताइएगा वो भी, और बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक मेरे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो। तो बस हम चलते हैं सोने के लिए, और कल सभी का ऑफिस है तो आप सब भी सोइए। बाय, गुड नाइट।